इस दुनिया में तमाम रहस्यमय चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रहस्य खुलता ही नहीं है, और भूगर्भीय संरचनाओं में और ज़मीन के नीचे कितने रहस्य छुपे हैं किसी को मालूम भी नहीं है। इस समय चूंकि इस क्षेत्र में आपदा आई है तो एबीपी गंगा की टीम इधर आई, तो ये रैणी गांव के और तपोवन के बीच में एक जगह है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ठंडा है, सामने ग्लेशियर है और कड़क ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ पर गर्म पानी है, इसको गर्म कुंड कहते हैं। और ये गर्म पानी किस वजह से है, क्या है, अलग अलग इसके वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गंधक है, गंधक की वजह से गर्म रहता है, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये गर्म रहता है उसको देखकर लगता है कि कहीं इसके नीचे कोई आग की भट्टी ना चल रही हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या, अब जैसे इसके देखने से लगता है प्रारंभिक तौर पर कि जब वाकई यहाँ पर कोई गंधक का एक नीचे बड़ा एक खजाना छुपा होगा, उसकी वजह से ये यहाँ पर बहुत गर्म पानी हमेशा चलता रहता होगा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ हिमखंड हों, ग्लेशियर टूट रहे हों, ग्लेशियर हों, तो वहाँ पर अपने आप ही स्वतः ही गर्म पानी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, अंडे उबालते हैं इस पानी में, हाथ पैर धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और गंधक के पानी से, अगर ये गंधक वाकई है तो गंधक के पानी से बहुत सारी चीज जो चर्म रोग हैं वो भी लोग कई बार दूर करने के लिए आते हैं। ये देखिए किस तरह से बॉयल हो रहा है, जैसे इसके नीचे कोई भट्टी सुलगी हो, कोयले की कोई भट्टी इसके नीचे रखी हुई हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं आप, यहाँ आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समीर है। समीर, यहाँ तुम लोकल हो? हाँ जी सर, लोकल है। क्या है ये पानी और क्या क्या करते हो तुम यहाँ? यहाँ पर हम अंडे वगैरह उबालते हैं, और यहाँ पर सब बाहर से लोग आते हैं देखने इस चीज को। अभी तो सर्दी है लेकिन फिर भी यहाँ बहुत गर्म पानी है। ये ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है हमेशा। क्या गर्मियों में ज्यादा गर्म तो नहीं हो जाता? ना ना, इसका लेवल इतना रहता है जितना है ये अभी। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, इसके नीचे गंधक है कहा जाता है। यहाँ तुम बताओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम? मेरा विनोद। विनोद, तुम अंडे खाते हो? कहाँ उबालते हो? दादी उबालते हो? कैसे उबलते हैं? उबलते हैं पानी के अंदर डाल के, ऐसे में उबलते हैं अंदर डाल के। हाँ, इतना गर्म होता है कि पानी के अंदर पड़े हुए अंडे डाल देते हैं। तुम आओ आगे। क्या नाम है तुम्हारा? सुजन। सुजन, कितनी बार आते हो? हम आ जाते हैं। कब से आ रहे हो यहाँ? हम एक हफ्ते से। नहीं नहीं, यहीं के रहने वाले हो? इधर के। खूब अंडे उबाल रहे हो? हाँ। ये एक प्रयोग है, और लोग तो कहते हैं कि कपड़े के भीतर चावल रखकर ऊपर गांठ लगाकर इसमें छोड़ देते हैं और चावल उबल आते हैं। यहाँ पर अंडे उबाले जाते हैं, उबलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर खूब उबाली जा रही हैं बिना किसी ईंधन के। ये केवल और केवल एक ऐसी चीज़ है जो कुदरती है, ये मानव जनित नहीं है। भले ही यहाँ गंधक हो या गंधक के अलावा कुछ भी इसका एक वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन ये वाकई रहस्यमयी है, और ये प्राणी के द्वारा जनित की हुई चीज़ नहीं है, ये प्राकृतिक है। और यहाँ पर आप देख लिया, अब आपने किस तरह से यहाँ पर भाप उठ रही है इस गर्म पानी की, तो देखिए ये बड़ी रहस्यमय चीज़ हो गई है। तो और ज़मीन के नीचे ऐसे तमाम रहस्य छुपे हुए हैं जिनको देखकर लोगों को लगता है कि यार ये वाकई होंगे भी या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ इस गर्म कुंड से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।